सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फोर्थ क्लास ऑफ CS1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू मीन एंड वेरिएंस एंड इफ आई गेट टाइम वी विल ऑल्सो बी डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक. ओके, सो टू बिगिन विथ, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज एवरीवन कमेंट येस सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास. I just need a yes from everyone so that we can start the class. Okay. So let us begin. Put the heading mean. So, what is the notation for mean? What is the notation? Mean का मतलब क्या होता है? Average. मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज. अब एवरेज का नोटेशन देखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू, या फिर हम लोग इसको एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, मीन भी बोलते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एवरेज विच इज म्यू. ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैं बोलता हूं 3, 5 एंड 7 का आने का इक्वल चांस है. जब हम लोग पहले करते थे ना, बोलता था 3, 5 और 7 का एवरेज निकालिए या फिर 3, 5 और 7 का मीन निकालिए, तो इसका मतलब क्या होता था? 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 3. इसका ब्रेकअप देखिए, 3 × 1/3 प्लस 5 × 1/3 प्लस 7 × 1/3. जब भी कुछ नहीं बोलता है ना, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस है. तभी देखिए 1/3, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है. आपने आज तक कभी ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये चीज आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं. चार चीज का एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 4. मतलब हर एक चीज को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. अब हम लोग को क्या देगा? एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा और बोलेगा उसका मीन निकाल लें. अब डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्क्रीट होगा या फिर आपका कंटिन्यूअस हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्क्रीट होगा या फिर आपका कंटिन्यूअस हो सकता है. तो देखिए कैसे करना है. यहां पर मैं लिखूंगा डिस्क्रीट वाले का और यहां पर हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअस वाले का. एक्सपेक्टेशन कभी भी निकालने बोलेगा तो समेशन ऑफ दैट इनटू प्रोबेबिलिटी, एंड जब हम लोग कंटिन्यूअस में करेंगे तो समेशन क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन. बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूइंग बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज. ओके, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ओवर द रेंज ऑफ एक्स. अब अगर मैं यहां पर करूंगा कंटिन्यूअस में, तो वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स एक्स इनटू पीडीएफ डीएक्स. माने एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू समेशन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग इनटू प्रोबेबिलिटी. अब कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? पीडीएफ, विच इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके, अब जैसे मान लीजिए मेरे को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. अब अगर मान लीजिए मेरे को यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इनटू पीडीएफ डीएक्स. इस तरीके से हम लोग करते हैं. तो अब मान लीजिए मेरे को डॉट 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 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर निकालना हुआ, तो मैं क्या करूंगा? समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स एक्स टू द पावर आर इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. एंड यहां पर मैं क्या करूंगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स एक्स टू द पावर आर इनटू एफ एक्स डीएक्स. तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे को कंटिन्यूअस में एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन. और अगर मेरे को डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? समेशन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे को कंटिन्यूअस में एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन. और अगर मेरे को डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? समेशन. ओके, अच्छा अब एक एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले, वरना समझ में नहीं आएगा. एक एग्जाम्पल करते हैं.
1357.2.2.3.3 मेरे को बोला है इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे पता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, तो ये है मेरा एक्स और ये है मेरा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 3 प्लस 0.3 इंटू 5 प्लस 0.3 इंटू 7, दिस इज माई आंसर। कितना आ रहा है बताना प्लीज, सब लोग फटाफट से सब लोग बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है इसका आंसर बताना। सब लोग बताएंगे फटाफट, पार्टिसिपेट करेंगे, खाली बैठे नहीं रहेंगे। 4.4 इज द आंसर। ओके, अब मैं आता हूं कुछ प्रॉपर्टीज में। सो प्रॉपर्टीज में 2 2 2 2 2, मैं बोल रहा हूं 2 2 2 2 2, कमीन क्या होगा 2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 इज नथिंग बट 10। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, मैं बोल रहा हूं पहले 3, 5 और 7 का मीन निकालना था, अब 6, 10 और 14 का मीन निकालना है। तो जब मैं इसका मीन निकालूंगा 3, 5 और 7 का तो आएगा 5, और जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो आएगा 10। तो मतलब एग्जैक्टली डबल हो गया ना, बिकॉज सारे नंबर्स डबल हो गए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ए इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, बसता क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को इस चीज का एक्सपेक्टेशन निकालना हो, अगर ये था पहला था दूसरा, अब अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन निकालना हुआ, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस फिर से कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बचेगा, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट सी इज सी ओनली। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। अभी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो इसको कॉपी कर लेना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मीन कैन बी नेगेटिव, क्या मीन नेगेटिव हो सकता है, आंसर बताना तो इसका, यस और नो, मीन कैन बी नेगेटिव, क्या मीन नेगेटिव हो सकता है, इसका आंसर बताना यस या फिर नो, क्या मीन नेगेटिव हो सकता है, इसका आंसर बताना यस या फिर नो। यस, मीन कैन बी नेगेटिव, -2, -3 और -5 का मीन निकालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। मीन बस खाली एक एवरेज है, एवरेज वैल्यू देता है मीन हम लोग को, ठीक है। ओके, अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स, अब हम लोग करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स सबसे पहला है, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं, एक्स दे दिया एंड प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो 1/6, 1/4, 1/6, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है,
आप लोगों को सबसे पहले फाइंड पी, पी पता करें, फाइंड पी, पी पता करें, तो पी तो क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू वन, तो इसका मतलब क्या है, 1/6 प्लस 1/4 प्लस पी प्लस 1/6 प्लस पी इज इक्वल टू वन, यही तो होगा ना, तो बताएं यहां से पी का आंसर कितना आएगा, बताएं यहां से पी का आंसर कितना आएगा, 1/6 प्लस पी प्लस 1/4 प्लस पी प्लस 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, वन, तो यहां से बताएं पी का आंसर कितना आएगा। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया है, ठीक है, तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया है, अब आपको मेरे को सिर्फ ये बताना है कि पी का आंसर क्या आएगा, 5/24, पी का जो आंसर आएगा दैट इज 5/24, पी का जो आंसर आएगा दैट इज 5/24, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विच इज टू ओनली, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, माइनस टू इंटू 1/6 प्लस माइनस 1 इंटू 5/24 प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 5/24 प्लस 2 इंटू 1/6, तो आंसर क्या आएगा बताना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा बताना, 0 आएगा, तो 0 प्लस 2 द आंसर इज 2, करके देख लो आराम से, आराम आराम से सब लोग करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से करिए। अब मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 5, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, 0, तो ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा। अब मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कैसे निकालूंगा, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी विच इज 1/6 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी विच इज पी प्लस 0 का स्क्वायर इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी विच इज 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पी प्लस 2 का स्क्वायर इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी विच इज 1/6, तो अब देखना इसका एक पॉजिटिव आंसर आएगा, वो आंसर क्या बताना, क्या आंसर आएगा बताना, माइनस 2 का क्या होगा, 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5/24 प्लस 0, तो करना कितना आ रहा है, 8/6 प्लस 5/12, बताना कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बताना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सेवन बाय फोर। अब फाइनल आंसर निकालना, तो क्या होगा, 2 इंटू 7/4 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है, 2 इंटू 7/4 प्लस 0 प्लस 5, फाइनल आंसर बताना मेरे को कितना आ रहा है, करेक्ट आंसर
8.5 इज द करेक्ट आंसर। सबका यही आ रहा है ना, सबका 8.5 ही आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट 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 जब हम लोग एक डाई रोल करते हैं जब हम लोग एक डाई रोल करते हैं जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके जब हम लोग एक डाई रोल करते हैं तो उसका हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 यही होता है जब हम लोग डाई रोल करते हैं तो यही बनता है क्या। ठीक है ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि अगर ये मेरा x है और ये मेरा प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x है सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x² + 1 क्या होगा। 2x² + 1 क्या होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × expectation of x² + 1। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 1/6 × n × n+1 × 2n+1। तो 2n+1 का मतलब क्या होता है, 2 × 6+1 विच इज 13। ठीक है तो n × n+1 × 2n+1/6 तो ये और ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा बताना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बताना, 91/6। हम लोग को निकालना क्या है, 2 × expectation of x² + 1। 1² × probability + 2² × probability + 3² × probability इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है सो 91/6 सो क्या होगा, 2 × 91/6 + 1 तो क्या आएगा आंसर, तो क्या आएगा आंसर, 91/3 + 1 विच इज 94/3। 94/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी दिक्कत है यहां तक तो प्लीज बताना, किसी को भी दिक्कत है यहां तक तो प्लीज बताना। ठीक है ये था जब हम लोग एक डाई रोल करते हैं तो। ओके सो नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने एक गामा इंटीग्रेशन किया था वैसे ही हम एक करेंगे बीटा इंटीग्रेशन, वैसे ही हमें करेंगे बीटा इंटीग्रेशन। सो बीटा इंटीग्रेशन में क्या करना है, बीटा इंटीग्रेशन में क्या करना है देखना, 0 to 1 x^a-1 1 − x^b-1 dx इज इक्वल टू गामा ए इंटू गामा बी बाय गामा ए प्लस बी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लेते हैं 0 to 1 x^4 1 − x^9 dx। तो अगर ये है
तो अगर ये है तो कैसे कर सकते हैं, देखना इसको, 0 टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1, 1 माइनस x टू द पावर 10 माइनस 1 dx। तो यहां पर मेरा a हो गया 5, मेरा b हो गया 10, मेरा a हो गया 5, मेरा b हो गया 10, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 कितना होता है 15, मतलब 14 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू आई होप सबको समझ आया, 5 गामा इज व्हाट, 4 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल होता है। इसका आंसर बताना कितना आ रहा है सब लोग, इसका आंसर बताना सब लोग कितना आ रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बीटा इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बीटा इंटीग्रेशन। करो इसको फटाफट से, कितना आ रहा है सबका आंसर, कितना आ रहा है सबका आंसर, वन बाय 1000। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं x एंड प्रोबेबिलिटी का, तो -3, 6 एंड 9। तो यहां पर आएगा 1/6, यहां पर आएगा 1/2 एंड यहां पर आएगा 1/3। आप लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, पहला वाला कैसे आएगा, वो तो बहुत सिंपल है, -3 × 1/6 + 6 × 1/2 + 9 × 1/3। फिर अगर दूसरा वाला करना होगा तो कैसे करेंगे, -3 का स्क्वायर विच इज 9 × 1/6 + 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर, 36 × 1/2 + 81 × 1/3। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हो गया हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एंड
तीनों आंसर आप लोग को एक साथ बताना है, ऐसे नहीं। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जिसका मतलब क्या है, 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विच इज 1। सॉल्व करके बताएंगे तीनों आंसर कितना कितना आ रहा है एक साथ में, सॉल्व करके बताएंगे तीनों आंसर कितना आ रहा है एक साथ में। अगर तीसरा वाला आंसर सही आया मतलब बाकी दोनों भी सही है, तीसरा वाला आंसर सही आना चाहिए आप लोग का, तीसरा वाला आंसर सही आना चाहिए। बताओ कितना आ रहा है, तीसरा वाला आंसर कितना आ रहा है, तब पता चलेगा सही है कि गलत है। 209 इज द करेक्ट आंसर, 209 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड निहारिका, 209 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। बेस जितना बढ़िया होगा आगे उतना ही दिक्कत कम आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स हम लोग को दे दिया है 2 इंटू 1 माइनस एक्स ये हम लोग को x का रेंज दे दिया है, ठीक है। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r निकालना है और ये दिखाना है कि ये होता है 2 बाय r प्लस 1 r प्लस 2, ये हम लोग को दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 x टू द पावर r, 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 1 एक्स टू द पावर आर प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 डी एक्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग का जो a है a, तो 2 तो बाहर में है ही, जो हम लोग का a है वो क्या हो जाएगा r प्लस 1, और जो हम लोग का b क्या है वो क्या हो जाएगा 2। तो क्या बोल सकता हूं मैं, 2 इंटू आर का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो r प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। तो क्या बोल सकते हैं, 2 बाय आर प्लस 2 आर प्लस 1, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r। अब मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है, अब अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है तो r के जगह मैं क्या डालूंगा, 1, r के जगह मैं क्या डालूंगा, 1, तो डालो r के जगह में 1, मतलब 2 बाय 3 इंटू 2 विच इज वॉट, 1 बाय 3। अब अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो आर के जगह में क्या डालूंगा, 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 6। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर विच इज व्हाट, 1 बाय 6 प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज व्हाट, 1 बाय 3 प्लस 1। फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, 34 का आंसर बताइए कितना आ रहा है। थर्टी फोर का आंसर बताइए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा
एक सम दे रहा हूं वो करिए, तो इसका आंसर आएगा 3। चलिए एक सम दे रहा हूं वो करिए, एक सम दे रहा हूं वो करिए, एफ एक्स दे दिया मैंने, एक मिनट, एफ एक्स दिया हुआ है 1/8 एक्स प्लस वन, एफ एक्स दिया हुआ है 1/8 एक्स प्लस वन, और यहां पर x का जो रेंज है वो है -1 से 1, 1/8 एक्स प्लस वन, और यहां पर जो x का रेंज है वो है -1 से 1। इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल के दिखाइए, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल के दिखाइए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालेंगे हम लोग? नाउ दिस इज इक्वल टू -1 से 1, 1/8 x इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/8 -1 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/8 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से 1। फाइनल आंसर बताना सब लोग, 1/12 आ रहा है आंसर, 1/12 आंसर है जो निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 1/12। अब नेक्स्ट, पुट द हेडिंग वेरिएंस, पुट द हेडिंग वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है देखना, वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ, डेफिनेशन करा रहा हूं, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर मतलब क्या किया मैंने, डिविएशन निकाला मीन से विच इज व्हाट, एक्स माइनस म्यू, नाउ दैट डिविएशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, इसलिए उसका स्क्वायर किया, और फिर डिविएशन स्क्वायर का मैं एवरेज ले रहा हूं, डिविएशन का स्क्वायर का मैं एवरेज ले रहा हूं, तो वेरियंस इज नथिंग बट इट इज डिविएशन स्क्वायर का एवरेज, डिविएशन कहां से, मीन से, तो डिविएशन का स्क्वायर का एवरेज। ओके, आइए अंदर वाले को एक्सपैंड करते और देखते क्या आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x म्यू प्लस म्यू स्क्वायर। नाउ म्यू इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, बिकॉज एवरेज एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, इसलिए म्यू कॉन्स्टेंट है, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी बाहर आएगा और म्यू भी बाहर आएगा, बिकॉज म्यू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, 3, 2, 5 कुछ भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, तो माइनस 2 म्यू इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस, जब म्यू कॉन्स्टेंट होगा तो उसका स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट विच इज म्यू स्क्वायर, ठीक है। म्यू को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं पता है, म्यू को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन का मीन, तो इस पूरा दुनिया के लोगों का आईक्यू का एवरेज विल बी कॉन्स्टेंट, अज्यूमिंग कि कोई भी मर नहीं रहा, अज्यूमिंग कि कोई भी नया जन्म नहीं रहा है, जन्म नहीं ले रहा है, ठीक है, तो म्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू, मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लोग म्यू भी बोलते हैं, तो माइनस 2 म्यू इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा वेरियंस का फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा वेरियंस का फॉर्मूला है, इसको देख लो सब लोग,
ओके तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं. रूट अंडर वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स. इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ प्रॉपर्टीज. वेरियंस क्या होता है? एक स्क्वायर मेजर होता है. ठीक है, तो वेरियंस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो. वेरियंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज वेरियंस हमेशा एक स्क्वायर मेजर होता है. नाउ दूसरा है वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो. टू 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 मैं बोलता हूँ टू 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 का वेरियंस निकालो तो सबसे पहला बात इसका मीन क्या आएगा? टू. डिविएशन सबका क्या आएगा? जीरो. डिविएशन का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा? जीरो. और उसका एवरेज निकालेंगे वो भी क्या आएगा? जीरो. इसलिए वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो. नाउ वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स माइनस ए म्यू का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल तो क्या हो जाएगा? ए एक्स माइनस ए म्यू का होल स्क्वायर. तो ये ए को जब मैं स्क्वायर से बाहर लूंगा तो कैसे आएगा? ये ए स्क्वायर एक्स माइनस म्यू देख लो मैंने क्या किया. कॉन्स्टेंट इंटू एक्स जो मेरा वेरिएबल था तो मैंने क्या किया? ए एक्स माइनस ए म्यू. यही तो होगा ना. जहां पर आप देखेंगे जहां पर आपका वेरियंस ऑफ एक्स था तो यहां पर एक्स था बोल के यहां पर एक्स माइनस म्यू आया. तो जब ए एक्स होगा तो क्या आ जाएगा? ए एक्स माइनस ए म्यू आ जाएगा. ठीक है, तो ये देखो ना जब इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे ए को तो ये स्क्वायर होके आएगा और जब इसको एक्सपेक्टेशन से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर और एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? वेरियंस ऑफ एक्स. डेफिनेशन है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स. कभी भी वेरियंस से अगर कोई भी कॉन्स्टेंट बाहर आएगा तो वो स्क्वायर होके बाहर आएगा. तो वो स्क्वायर होके बाहर आएगा. वेरियंस ऑफ टू इंटू एक्स इज वॉट? फोर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स. वेरियंस ऑफ टू इज वॉट? जीरो. एंड वेरियंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये तीन प्रॉपर्टीज थे वेरियंस के. अगर आप लोग सबको समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूंगा. प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे चलिए. कमेंट बॉक्स में लिखना आगे चलो सर, तभी तो आगे चलूंगा ना, वरना कैसे आगे बढ़ सकता हूं बताओ? वरना आगे कैसे बढ़ूंगा? ओके हाँ देखो सब लोग लिख रहे हैं. नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं. पीडीएफ है ए इंटू एक मिनट हल्का क्वेश्चन हाँ ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर. पीडीएफ है ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर जिसमें एक्स का रेंज है 2 to 5. जिसमें एक्स का रेंज है 2 to 5. आप लोगों को सबसे पहले तो ए निकालना है. सबसे पहले आप लोगों को मैं बोल रहा हूं फाइंड ए. फाइंड ए सबसे पहले ए निकालो. सबसे पहले ए निकालो. फाइंड ए सबसे पहले ए निकालो. एंड इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है. ए कितना आ रहा है?
1/42 आ रहा है, 1/42 आ रहा है ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू बहुत लोग बोल रहे हैं 1/42। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 225 एक्स इंटू 1/42 इंटू 1+x² dx। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, और बताओ कितना आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सॉल्व करके बताना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ, कितना है? एक जन का आंसर आया है 162.75। और कोई? थर्टी थ्री बाई ट्वेंटी एट एक जन बोल रहा है, बाकी लोग कहाँ गए, आंसर दीजिए फटाफट। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, वाह, एक छोटा सा क्वेश्चन का सबका 10 रकम का आंसर आ रहा है, और क्या बोलेंगे। कितना आ रहा है फटाफट से बताओ, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, अमेजिंग। निहारिका लिखी है 3.7, सबका अलग अलग आया अभी तक तो, फिर बाकी लोगों को करने दो फिर क्या। तो बताना कितना आ रहा है, थ्री पॉइंट एट सेवन फाइव। अब एक आंसर है जो दो लोगों ने दिया है, तो 3.875। बाकी लोग प्लीज, 16-17 जन क्लास अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ दो तीन लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग आर नॉट टेकिंग द एफर्ट ऑल्सो टू एटलीस्ट रिप्लाई। तीन लोग मतलब यही सही है, 3.875, तीन लोगों का जवाब आ चुका है 3.875, चार 3.875। चलो इसी आंसर के संग हम लोग जाएंगे, तो 3.875 को लॉक कर दिया जाए। चलो आगे चलते हैं, मेरा देखो पेज खत्म हो गया, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते पेज खत्म हो गया मेरा, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। एक मिनट रुकना,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एफ एक्स दे दे रहा हूं, एफ एक्स दे दे रहा हूं हाफ इंटू वन प्लस एक्स, एंड एक्स का जो रेंज है वो है माइनस वन से वन। इसका वेरिएंस निकालना है अपने को, वेरिएंस निकालना है इसका अपने को। तो वेरिएंस अगर हम लोग को इसका निकालना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे बताना। अगर इसका वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, इज व्हाट, एक्स हाफ तो बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन से वन डी एक्स इज नथिंग बट हाफ इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन से वन। सो नेक्स्ट इज सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग को निकालना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, माइनस वन से वन, हाफ तो बाहर आ जाएगा, हाफ तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो बताओ क्या आ रहा है, बताना क्या आ रहा है इसका आंसर, बताना क्या आ रहा है। फाइनल आंसर चाहिए मेरे को, मेरे को फाइनल आंसर चाहिए था। फाइनल आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है इसका। 2/9 इज द फाइनल आंसर, 2/9 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एफ एक्स दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए इसका करिए, वेरिएंस निकालिए, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इसका वेरिएंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, गामा इंटीग्रेशन लगाओ, गामा इंटीग्रेशन लगाओ, और एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लैम्डा बाहर, जीरो से इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, अगेन गामा इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एल्फा माइनस वन, तो यहाँ पर मेरा एक्स टू द पावर एल्फा माइनस वन, तो यहाँ पर मेरा एल्फा क्या हो जाएगा, थ्री, एंड लैम्डा तो लैम्डा ही है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एल्फा क्या हो जाएगा, टू, और मेरा लैम्डा तो लैम्डा ही है। ठीक है, तो सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। वन बाय लैम्डा स्क्वायर, वेरी गुड, वन बाय लैम्डा स्क्वायर, वन बाय लैम्डा स्क्वायर, वेरी गुड, वन बाय लैम्डा स्क्वायर, वेरी गुड। अब हम लोग को सीखना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये दो तरीके से हो सकता है, एक होगा पीडीएफ से और एक होता है सीडीएफ से। तो पहले पीडीएफ वाला कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना, एफ एक्स दे दिया है हम लोग को सिक्स एक्स वन माइनस एक्स, एंड एक्स का हम लोगों को रेंज भी दे दिया है जीरो टू वन, एक्स का हम लोगों को रेंज भी दे दिया है जीरो टू वन। हम लोग को निकालना है फाइंड द पीडीएफ ऑफ, फाइंड द पी डी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। हम लोगों को वाई का पी डी एफ निकालना है वेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, वेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
काव्या अग्रवाल बोल रही है 1/लैम्डा होना चाहिए, नहीं 1/लैम्डा स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग इसको ट्राई करना, 1/लैम्डा स्क्वायर ही आएगा सबका। जिन लोगों का भी नहीं हो रहा है एक बार ट्राई करना, और जिन लोगों का भी हो गया है बा प्लीज़ उसको भेज दो ना, लाइक ग्रुप में भेज दो। हाँ मीन इज 1/लैम्डा, वेरी गुड, एंड लाइक वेरियंस इज 1/लैम्डा स्क्वायर। तो देखो स्टार्ट कैसे करना, आप एकदम सब लोग इधर ध्यान दो बिकॉज ये नया टॉपिक है बिल्कुल भी। सब लोग एक बार इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा वाई टू द पावर 1/3, एक्स क्या होगा वाई टू द पावर 1/3। टेकिंग डिफरेंशियल्स तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 वाई, चेन रूल लगाना पड़ेगा, 1/3 वाई टू द पावर क्या होगा बताना, -2/3 dy, यही तो होगा ना। dx इज इक्वल टू 1/3 वाई टू द पावर -2/3 dy, ठीक है। अब बताना x का रेंज क्या है, 0 से 1। तो जब x 0 है तो y क्या है, और जब x 1 है तो y क्या है। जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y भी 1, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने क्या किया यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट किया, देयरफॉर dx इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 y टू द पावर -2/3 dy। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जहां जहां पर x है वहां वहां पर y टू द पावर 1/3 बैठा सकते हैं। देखो इसका जब हम लोग वैलिड PDF प्रूफ करेंगे तो ये कैसे करते थे हम लोग, यही तो करते थे ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx विच इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से 1 6x 1 - x dx, यही करते थे हम लोग। अगर हम लोग को किसी को भी वैलिड PDF प्रूफ करना है तो हम लोग यही करते थे। अब देखो इसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, dx को इन टर्म्स ऑफ dy निकाल चुका हूँ, x का जो लिमिट्स है उसके करेस्पॉन्डिंग y का लिमिट्स निकाल चुका हूँ, x के जगह में y का वैल्यू मैं बता सकता हूँ। तो अल्टीमेटली कैन आई राइट इट लाइक दिस, 0 से 1 6, x के जगह में क्या लिखेंगे बताना, x के जगह में लिखेंगे y टू द पावर 1/3, सो y टू द पावर 1/3 1 - y टू द पावर 1/3। अच्छा 0 से 1 क्यों लिखा पता है, बिकॉज x जब 0 तो y भी 0, x जब 1 तो y भी 1, और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 y टू द पावर -2/3 dy। तो अल्टीमेटली dy को छोड़ के ये पूरा चीज पता है क्या है, PDF ऑफ y। तो fy क्या हो जाएगा मेरा, fy क्या हो जाएगा, 6 into 1/3 है, तो फॉर 2 y टू द पावर -1/3 नेट करके लिख रहा हूँ, इंटू 1 - y टू द पावर 1/3, एंड y का जो रेंज होगा वो होगा 0 से 1। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, आराम से देखो इसको, आराम से देखो। अभी इसमें एक दो सम और करेंगे तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, बट करते इसको ऐसे ही है। मैंने क्या किया, सबसे पहले fx देखा, x को लिखा y के टर्म्स में, x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3, फिर डिफरेंशियल्स लिया, dx को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ dy, एंड आई ट्राइड टू मेक लाइक जैसे हम लोग करते थे, याद आ रहा है एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग को वैलिड PDF प्रूफ करना होता तो क्या करते थे, पूरा x का रेंज में fx dx। अब x का जहां पर रेंज है उसकी जगह y का रेंज, dx के जगह में इन टर्म्स ऑफ dy, एंड जहां जहां पर x है उसको y के टर्म्स में हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके एक और सम करते हैं, चलो एक और सम करते हैं, fx इज इक्वल टू x/12, x का रेंज है 1 से 5, fx इज इक्वल टू x/12, x का रेंज है 1 से 5। अब हम लोग को बनाना है y इज इक्वल टू 2x - 3, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, y प्लस थ्री बाय 2 इज इक्वल टू x, y प्लस थ्री बाय 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर
हाफ हाफ इंटू, भैया लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ। हाँ लाइक मैंने क्या किया, सिक्स के जगह में सिक्स ही था, एक्स के जगह में लिखा वाई टू द पावर वन बाई थ्री, वन माइनस एक्स के जगह में लिखा वन माइनस वाई टू द पावर वन बाई थ्री, एंड डी एक्स के जगह में जो मैंने लिखा था डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ डी वाई, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। नाउ डी वाई को छोड़ के बाकी सब क्या है, पी डी एफ ऑफ वाई, बिकॉज इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ वाई एफ वाई विल बी इक्वल टू वॉट वन, देयरफॉर दिस शुड बी अ वैलिड पी डी एफ। तो हाफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, हाफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, एक ये हो गया। अब एक और चीज क्या करना पड़ता है, x जब 1 है तो y क्या होगा, और x जब 5 है तो क्या y होगा, जब x 1 है तो मेरा y हो जाएगा, x जब मेरा 1 है तो y हो जाएगा माइनस वन, एंड x जब 5 है तो y हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं, अब मैं क्या लिखूं इसको, अब मैं इसको क्या लिखूं, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ y, पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, वन से मान लो x के एफ एक्स, अगर मान लो हम लोग स्टार्टिंग में करें तो कैसे लिख सकते थे, वन से फाइव एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट वन। अब इसको y के टर्म्स में लिख के देखो कैसे लिख सकते हैं, y के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको बताना, वन इज इक्वल टू व्हाट, y के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताना, माइनस वन से सेवन, माइनस वन से सेवन एफ एक्स का मतलब क्या था, x बाई ट्वेल्व, तो x के जगह में क्या लिख दूं, y प्लस थ्री बाई टू, सो y प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई ट्वेल्व डी एक्स था, अब डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई बाई टू, डी वाई बाय टू, तो डी वाई को छोड़ के बाकी सब क्या है, पी डी एफ ऑफ वाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू वॉट, वाई प्लस थ्री बाय फोर्टी एट, वेयर वाई का रेंज इज, वेयर y का रेंज इज माइनस वन से सेवन, y प्लस थ्री बाय फोर्टी एट, वेयर y का रेंज इज, कुछ नहीं करना है, सिंस x का एक वैलिड पीडीएफ है तो वन बाय फाइव, आई मीन वन से लेके फाइव एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये वैलिड पीडीएफ है। अब उसको मैं y के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो dy को छोड़ के बाकी सब जो है वो क्या हो जाएगा, पीडीएफ ऑफ y, एंड y का रेंज तो मेरे को पता चली गया, इंटीग्रेशन वन टू फाइव एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। सबको समझ में आया ये वाला, येस और नो, सबको ये वाला समझ में आया क्या, येस और नो बताना, समझ में आया कि नहीं आया, बताना समझ में आया कि नहीं आया। एक और सम कर लेते, चलो विभा चोपड़ा इज सेइंग नो, एक और सम कर लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, वाई प्लस थ्री बाई फोर्टी एट, वाई प्लस थ्री बाई फोर्टी एट, मेरा वाला सबका आ रहा है ना, वाई प्लस थ्री बाई फोर्टी एट, ओके। तो चलो एक और सम कर लेते हैं, हम लोगों को एफ एक्स दे दिया है एक्स बाई टू, और x का रेंज दे दिया है 0 से 2, बोला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दिखाइए, तो बहुत ही सिंपल है, x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, y टू द पावर 1 बाई थ्री, x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, y टू द पावर 1 बाई थ्री, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू वॉट,
वन बाय थ्री वाई टू द पावर माइनस टू बाय थ्री डी वाई, ओके, जब एक्स जीरो है तो वाई क्या होगा, और जब एक्स टू है तो वाई क्या होगा, जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, और जब एक्स टू है तो वाई क्या हो जाएगा, एट, टू का क्यूब, जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब विच इज 8, तो y का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x के टर्म्स में लिखते हैं तो आप लोगों को और इजी रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 x बाय 2 dx इज इक्वल टू 1, नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 8 हाफ इंटू x के जगह में मैं लिखूंगा y टू द पावर 1 बाय 3, और dx के जगह में मैं लिखूंगा 1 बाय 3 y टू द पावर माइनस 2 बाय 3 dy। तो बताना y का PDF क्या आ रहा है, मतलब fy क्या आ रहा है, बताना fy क्या आ रहा है, बताना fy क्या आ रहा है, बताना 1/6 y टू द पावर माइनस 1/3, 1/6 y टू द पावर माइनस 1/3, एंड y का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 8, y का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 8। अब सबको समझ में आया क्या ट्रांसफॉर्मेशन, अब सबको समझ में आया क्या ट्रांसफॉर्मेशन, फटाफट से बताना, अब सबको समझ में आया क्या ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू CDF। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैपिटल FX दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कैपिटल FX दिया हुआ है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, वेरी गुड, CDF, तो ये हम लोग को दिया हुआ है CDF, ठीक है, हम लोग को बोला है, ये हम लोग को CDF दिया हुआ है, अब हम लोग को बोला है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, हम लोगों को CDF निकालना है, हम लोगों को CDF निकालना है y का, हम लोगों को CDF निकालना है y का, तो CDF y का कैसे निकालेंगे ये बताना, CDF y का कैसे निकालेंगे ये बताना, वो एक ही बात है, ग्रेटर देन 2 कर दो, कंटिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 कर दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 8, और एक्स का जो रेंज है वो क्या है, 0 से 2, बेसिकली यही तो सम है, बाकी एक तरफ तो 0 है और दूसरा तरफ 1 है, क्वेश्चन तो यही है ना, सबको समझ में आया, मैंने इतना जो बड़ा डिटेल दिया हुआ है इसको सबसे पहले मैंने प्रोसेस किया,
कि कौन सा डेटा मेरे काम का है और कौन सा डेटा मेरे काम का नहीं है। यहां से मेरे को क्या पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू व्हाट y स्क्वायर, x इज इक्वल टू व्हाट y स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एफ वाई विच इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी कैपिटल y इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, विच इज इक्वल कैपिटल y होता क्या है रूट एक्स, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट एक्स लेस देन इक्वल टू y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने बस खाली क्या किया, कैपिटल y इज इक्वल टू रूट एक्स मेरे को दिया हुआ था, कैपिटल y इज इक्वल टू रूट एक्स मेरे को दिया हुआ था, मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो मेरे को ये तो पता ही है कि x इज लेस देन इक्वल टू x क्या होता है, तो अब अगर मैं वहां पर y स्क्वायर डाल दूंगा, मतलब x की जगह में y स्क्वायर डाल दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ वाई मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर डालो, तो y स्क्वायर का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, y टू द पावर 6 बाय 8, y टू द पावर 6 बाय 8, y टू द पावर 6 बाय 8, ठीक है, y टू द पावर 6 बाय 8, समझ में आ रहा है, y टू द पावर 6 बाय 8। अब x का जो रेंज है, Now y is equal to root x, तो y का रेंज निकालना बहुत आसान है, y is equal to root x, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा एंड 2 का रूट क्या होगा रूट 2, तो ये y का रेंज हो गया, ये y का रेंज हो गया। देखो जो है मैंने वही बैठाया, मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है, जो था मैंने वही बैठाया है, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल लिया, सी डी एफ ऑफ y, अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी डी एफ आ जाएगा, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा। तो एफ वाई निकालो, एफ वाई निकालो क्या आ रहा है, सिक्स वाई टू द पावर फाइव बाई एट, सिक्स वाई टू द पावर फाइव बाई एट, हाँ नहीं आपको तो खाली बैठाना था ना, आपको थोड़ी पूरा का स्क्वायर करना है प्रेरणा, एक्स क्यूब बाई एट है ना, तो x इज लेस देन, अगर मान लीजिए x इज लेस देन इक्वल टू 2 बोलता हूं तो आप तो 2 क्यूब बाई 8 करोगे ना, x इज लेस देन इक्वल टू 3 बोलता हूं तो आप तो 3 क्यूब बाई 8 करोगे ना, आर यू गेटिंग इट शुभम साहू, सॉरी शुभम साहू, तो पूरा का मैं स्क्वायर क्यों करूंगा, ठीक है। और y का रेंज क्या दिया हुआ है हम लोग को, y का रेंज क्या दिया हुआ है हम लोग को, y का रेंज दिया हुआ है जो हमने निकाला है जीरो से रूट टू, तो इस तरीके से भी हम लोग सम को कर सकते हैं। अब इसमें एक और सम करो, हम लोगों को अगेन सीडीएफ दे दिया है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फाइव, x इज ग्रेटर देन जीरो, ये हम लोग को दे दिया है, ठीक है। हम लोग को बोला है फाइंड सी डी एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड सी डी एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला करिए, फाइंड सी डी एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को बेसिकली दे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फाइव। सेम फॉर्मेट से ट्राई कीजिए ना आप लोग एक बार, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, कैपिटल वाई होता क्या है एक्स स्क्वायर होता है, कैपिटल वाई होता क्या है एक्स स्क्वायर होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, या फिर विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर वाई, यही तो होगा ना, तो जहां पर एक्स था वहां पर क्या डाल देंगे रूट वाई, जहां पर एक्स था वहां पर क्या डाल देंगे रूट वाई, तो अल्टीमेटली हो क्या जाएगा ये, अल्टीमेटली हो क्या जाएगा ये, इसके बाद यहां कर रहा हूं,
अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर है ना, तो x की जगह में रूट वाई डालना है, तो रूट वाई का स्क्वायर मतलब क्या, y बाय 5, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0, सेम रेंज। इसका रेंज क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0, सेम रेंज। ओके, समझ में आया, आप सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है, सेम फॉर्मेट से आपके एग्जाम में अगर समय आएगा आपको सेम फॉर्मेट से करना है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, ये टॉपिक पूछा जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एक सम और करेंगे आज हम लोग, एक सम और करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, नहीं CDF बोला है ना मैंने, तो आपको मैंने बोला CDF बेटा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, मैंने CDF बोला, मैंने PDF तो बोला ही नहीं। जब PDF बोलेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। क्वेश्चन लिखो, अब अगर इसको हम लोग को पीडीएफ निकालने बोलता है, जैसे ये तो हम लोग का सीडीएफ था, दिस वाज कैपिटल एफ वाई, अब अगर हम लोग को बोलता है स्मॉल एफ वाई निकालने, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एम एक्स के फॉर्म में आइए, ई टू द पावर माइनस एम एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एम एक्स का, ई टू द पावर एम एक्स का होता क्या, एम ई टू द पावर एम एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो एक ऑलरेडी है, माइनस 1 बाय 5 e टू द पावर माइनस y बाय 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, 1 बाय 5 e टू द पावर माइनस y बाय 5, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर PDF का, ये PDF का आंसर होगा। e टू द पावर mx के फॉर्म में है, जहां पर हम लोग का जो m है, m दैट इज माइनस 1 बाई 5, एंड ई टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एम ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। और y का रेंज तो है ही, y इज ग्रेटर देन 0। समीक्षा धंधानिया अब ठीक है, प्रेरणा अब ठीक है, क्वेश्चन लिखना, एफ जेड मतलब हम लोग को पीडीएफ दिया हुआ है, के जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर, वे जेड इज ग्रेटर देन 0, के जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर वे जेड इज ग्रेटर देन 0, आपको निकालना है z, आई मीन k का वैल्यू, आप लोगों को निकालना है k का वैल्यू। fz दिया हुआ है, kz e टू द पावर माइनस z स्क्वायर फॉर z ग्रेटर देन 0, आपको k का वैल्यू निकालना है। fz दिया हुआ है, kz e टू द पावर माइनस z स्क्वायर
एफ जेड दिया हुआ है के जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर वेर जेड इज ग्रेटर देन जीरो, आपको निकालना है के का वैल्यू। मैं टाइम दे रहा हूं, सब लोग करिए। तो कैसे करते थे हम लोग, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी के जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड विल बी इक्वल टू व्हाट, वन। ठीक है, तो के तो हम लोग का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू व्हाट, वन। अब आई गेस यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा बिकॉज गामा नहीं लगा सकते, ई टू द पावर माइनस जेड है, ई टू द पावर माइनस जेड नहीं है, जेड स्क्वायर है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टू जेड डी जेड इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टू जेड डी जेड इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। तो क्या बोल सकते हैं, के बाय टू, के बाय टू लिमिट्स में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, लिमिट्स में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो के बाय टू इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी टू जेड डी जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी एंड ई टू द पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू के बाय टू ई टू द पावर माइनस टी बाय माइनस वन जीरो से इंफिनिटी। नाउ दिस इज इक्वल टू के बाय टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो, और एक माइनस भी है तो वो माइनस को मैं इधर लिख देता हूं। तो माइनस के बाय टू माइनस वन होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू वन, तो क्या आ रहा है, के का वैल्यू टू, के का वैल्यू क्या आ रहा है, टू। बस खाली आप लोग को सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, देख लीजिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। पीडीएफ हम लोग को दिया के जेड ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड इज ग्रेटर देन जीरो, आप लोग को के का वैल्यू निकालना था। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी के जेड ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू वन, वैलिड पीडीएफ मान के चल रहे हैं। तो के बाहर आ जाएगा, एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन लगाया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एंड देन वी गॉट दिस आंसर k is equal to 2. यहां तक सब कोई को सब कुछ ठीक है, यस और नो, यहां तक सब कोई को सब कुछ ठीक है, यस और नो। ओके, सो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, एंड दिस कंप्लीट्स अवर रैंडम वेरिएबल वाला टॉपिक। रैंडम वेरिएबल का जो टॉपिक है वो हम लोग का खत्म होता है। ओके, सो कल हम लोग का क्लास है, के बाय टू कैसे हुआ बेटा, अंदर में लाइक मेरे को टू जेड चाहिए ना, तो टू जेड टी जेड है ना, इसलिए मैंने हाफ इंटू टू मल्टीप्लाई किया है, k by 2 क्या, तभी तो अंदर में 2 आया ना, 2z dz की जगह में मैंने dt लिखा। तो रैंडम वेरिएबल हम लोग का खत्म हो गया है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अगेन हम लोग को करने में करीब करीब 4 क्लासेस लगेंगे। ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड कल फिर सब लोग को टेबल बुक वगैरह भी लेके आना है क्लास में, मैं भी दिखाऊंगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो कल और परसों 2 दिन लगातार हम लोग का क्लास है, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू डू, एंड आई होप सो कि आप लोग सब आर के भी साइमल्टेनियसली लेक्चर्स देख रहे हो। सो एटलीस्ट अभी तक आप लोग का आर का बेसिक्स अगर नहीं हुआ है तो वीकेंड में प्लान करिए, नेक्स्ट वीक उसका एक डाउट क्लास होगा। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे मैं कराऊंगा,
जैसे ही खत्म होता है आप उसको आर में भी कर लीजिएगा. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं ही पढ़ाऊंगा.